मैं अब खड़ा हूँ मुई ने का जो बीच है, इस बीच को कहते हैं कोको बीच, इस बीच का नाम है। ये मुई ने का समंदर का किनारा है जो मेरे होटल के सामने जो बालकनी से दिखता है। अब सुबह के 9:15 है, हालत ये है। अभी तो ये हाई टाइड चल रही है। यहाँ पर सारे ब्लॉक्स यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं। क्योंकि जब भी यहाँ पर पानी जब अंदर आता है हर रोज, तो बहुत अंदर आ जाता है और बहुत ज्यादा नुकसान न हो, इसलिए अब ये जो वॉल है, ये कंस्ट्रक्शन इस वॉल का किया जा रहा है, सो अंदर के लोग सेफ रह सके। ये है रिसोर्ट जहां पर मैं रह रहा हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर मेरी रूम है। वाओ, व्हाट अ सीन। ये बोट्स यहाँ की ना कुछ ऐसी होती है, गोल गोल। पानी को रोकने के लिए कितना अच्छा बंदोबस्त किया है ना। लेकिन जब ये पानी अंदर जाएगा ना, तो इस बीच पर जाके तैर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब पानी किनारे पर आता है, तो भाई न तैरना ज्यादा अच्छा है। मैं सोच रहा था अभी जाऊं पानी में, लेकिन नहीं यार, अकेला हूं, कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। वो भी इंतजार कर रहे हैं सही लहर का। ओ वाओ, क्या बात है। उनकी स्टाइल देखिए जरा, कैसे वो चलाते हैं वो छोटी सी नाव, है ना, अलग स्टाइल है। ऐसा लगता है जैसे डांस कर रहे हैं, है ना। ओ, उस दूसरी नाव की तरफ वो पहुंच गए, शायद कहीं दूर जाने की तैयारी हो रही है उनकी, बहुत अंदर पानी में। बहुत अंदर गए हैं वो, देखिए बहुत अंदर गए हैं वो। इस बीच के किनारे मैं रह रहा हूँ वहां पर। जब मैं सुबह यहाँ पर आया था ब्रेकफास्ट के बाद, यानी लगभग 9:30 बजे, 9:15 बजे बोल सकते हो, तो पानी कहाँ तक आया था आपको बताता हूँ। ये जो ऊपर जो कंपाउंड दिख रहा है ना, ये कंपाउंड यानी ये जो स्लोप है, उसके ऊपर एक सीमेंट का कॉन्क्रीट का एक कंपाउंड दिख रहा है, उसके एज तक पूरा पानी आया था। उसकी हाइट है लगभग 8 से 10 फीट, इतना ऊपर तक पानी आया था जब पानी किनारे तक आता है। लेकिन जब बाद में वापस अंदर पानी जाता है, तो कितना जाता है देखिए, इतना अंदर पानी गया है, काफी अंदर गया है, काफी अंदर। अब मैं जस्ट अभी चल रहा हूं। वाओ, कितना जबरदस्त लग रहा है ना, पानी काफी साफ है। हैन थियत करके एक बड़ा टाउन है, उसके एकदम पास ये मुइने नाम का एक छोटा टाउन है।
मुई ने जनरली जाना जाता है समंदर के किनारों के लिए, बहुत ही सुंदर समुंदर के किनारे है मुई ने में। और ये समुंदर के किनारे ऐसे वंग ताऊ जहां पर मैं पहले गया था वहां पर नहीं थे। ये सामने आपको एक पहाड़ दिख रहा है एकदम सामने, वो है टाकू माउंटेन। टाकू, अब ये जो माउंटेन है ये बेसिकली यहां पर एक केबल कार है, लेकिन मैं वहां पर जाना चाहता था लेकिन नहीं जा पाया क्योंकि वो केबल कार दुरुस्त करने के लिए बंद है 5 दिन के लिए और मैं यहां पर उतना नहीं रह पाऊंगा, तो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। लेकिन बहुत ही बढ़िया है वो वहां पर केबल कार, और यहां पर बहुत कुछ करने का मन था, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा कुछ शेड्यूल आगे बहुत बना हुआ है, पैक शेड्यूल है, तो मुई ने में मैं सारे समंदर के किनारों पर नहीं जा पाया। कल मैं जब यहां पर आया था सुबह यहां पर तैरा था, सॉरी सुबह नहीं शाम को मैं यहां पर तैरा था क्योंकि सुबह तो एकदम बाहर तक पानी आता है, लेकिन आई लव दिस बीच, आई लव वियतनामीज बीच। क्यों? क्योंकि बहुत ही सुंदर है, थाईलैंड के भी बीचेस बहुत सुंदर है भाई, ऐसे इंडिया में बीचेस कब देखने को मिलेंगे? अगर भारत में बहुत सुंदर बीचेस अगर कुछ है तो उनके नाम आप लिख दीजिएगा प्लीज नीचे कमेंट में, जाएंगे वहां पर। बहुत ही सुंदर किनारा है ये समंदर का, वाव। एक्चुअली ये कंपाउंड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहां पर ताकि और अंदर तक पानी न आए। ये ब्लॉक्स लगाने का और वो कंपाउंड कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। तरीके से पूरा जो किनारा है पूरे किनारे पर ये सब कुछ करने वाले हैं, ये पूरे कोको बीच पर।